हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 4.3 से, और आज हम उसका करने वाले हैं पार्ट टू क्वेश्चन नंबर वन का। क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट टू में आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ब्रैकेट बंद, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ब्रैकेट बंद और -3। सबसे पहला जो इसमें हमें स्टेप करना होगा वो ये करना है, हमें बेसिकली इसमें हमें सपोजिशन करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पे भी दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये पूरी वैल्यू बराबर है टी के, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यानी कि इस पूरी की जगह हम लिख देंगे टी। तो हम पहला स्टेप लिखते हैं यहाँ पे टी प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास टी प्लस 4 और -3। उसके बाद जो है बेसिकली ये दोनों ब्रैकेट आप आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले t मल्टीप्लाई होगा t से और t मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर प्लस 6 t से ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो जब t t से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर प्लस टी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4t प्लस 6 t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6t प्लस 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 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 6 4 24 और -3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो सिंप्लीफिकेशन होगा। तो आपके पास ये 40 और ये 60 ये दोनों प्लस में हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास टी स्क्वायर प्लस 4 में 6 प्लस करेंगे 10t प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 24 और 3 ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इन दोनों में से माइनस करना पड़ेगा। 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस 21। इसके बाद टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 21, यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो है मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीके का ये होगा कि आपको 10 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि आप जो है उन दोनों को प्लस करें तो आपके पास जो है प्लस माइनस करें तो आपके पास बेसिकली 10 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 21 आना चाहिए। तो 10 को अगर हम ब्रेक कर सकते हैं तो वो है हमारे पास बेसिकली 3 और 7। वैसे हम 5 5 से भी कर सकते हैं, 3 और 7 से भी कर सकते हैं, 6 और 4 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नंबर दो रखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आना चाहिए। तो 21 जो आता है वो आपके पास आता है 3 7 जा 21, और 3 में अगर मैं 7 प्लस करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 10। पहले हम साइन रख लेते हैं, टी स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, फिर हम एक जगह छोड़ देंगे इसकी, प्लस 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 फिर जगह छोड़ेंगे और प्लस 21 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने बेसिकली रख रखा है 7t और 3t से। अब जो है आपको इन दोनों में कॉमन लेना होगा, तो इन दोनों में कॉमन आपके पास बेसिकली t कॉमन है तो यहाँ पे आपके पास बचेगा t प्लस 7। इन दोनों में आपके पास कॉमन जो है थर्ड वैल्यू के साथ साइन के साथ कॉमन लेते तो प्लस के साथ कॉमन लेंगे। इन दोनों में बेसिकली 3 कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है और 3 के टेबल में 21 भी आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा टी प्लस 3 के टेबल में 21 आ रहा है आपके पास 7 टाइम तक। उसके बाद टी प्लस 7 और टी प्लस 7 ये दोनों में कॉमन है तो हम टी प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा टी प्लस 3। इसके बाद जो आपको अगला काम करना है वो ये करना है कि बेसिकली यहाँ पे आपके पास टी की वैल्यू दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो हमें यहाँ पे रखना होगा एक्स की जगह टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और आपके पास यहाँ पे भी टी की जगह जो है आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसके बाद जो है बेसिकली हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि हम 5 को अगर ब्रेक करेंगे तो आपके पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद 7 हो जाए, तो ये आपको यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी चेक करते हैं, यहाँ पर भी अगर हमारे पास हम करके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, तो आपके पास जो इसका आंसर होगा वो यही आंसर कंसिडर कर दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई आपके पास नहीं हो सकता। थैंक यू।